वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम FAR2 के सब्जेक्ट में ICAP की आटम 2023 अटेम्प्ट से एक एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? रेलिवेंट टॉपिक एथिकल इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। पहली स्टेटमेंट है कि एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट वुड रिजल्ट इन फेमिलियरिटी थ्रेट टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो ये स्टेटमेंट वन करेक्ट कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंड्यूसमेंट की एक टाइप गिफ्ट भी है और वो सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी या इंटिमिडेशन थ्रेट क्रिएट कर सकती है। तो फेमिलियरिटी भी इसमें शामिल है और फंडामेंटल प्रिंसिपल में। तो ये स्पेसिफिकली पैरा 250.2 ऑफ कोड ऑफ एथिक्स में बात की हुई है, और गिफ्ट इज वन टाइप ऑफ इंड्यूसमेंट स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। तो इसको हम करेक्ट कंसीडर कर लेते हैं। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि कमर्शियल प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन वुड रिजल्ट इन सेल्फ रिव्यू थ्रेट टू फंडामेंटल प्रिंसिपल। अच्छा, ये स्टेटमेंट टोटली इनकरेक्ट है, क्योंकि सेल्फ रिव्यू थ्रेट तो ये होता है कि हमने खुद काम किया और बाद में उस काम को हम खुद ही इवेल्युएट कर रहे हों या अप्रूव कर रहे हों। ये जो कमर्शियल प्रेशर होता है एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड से, तो वो तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल को ये बाज़ूकात होता है कि ये कमर्शियल प्रेशर है, मैं अगर इसके अंदर परफॉर्म करूँगा इस प्रेशर के मुताबिक तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी कंसीडर होगी और फिर उसके इम्पैक्ट्स आएंगे। तो इसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट नहीं होगा। तो स्टेटमेंट टू जो है वो कंफर्म इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट वन सीम्स टू बी करेक्ट, तो इसलिए हम इसमें ऑप्शन ए को सेलेक्ट करेंगे कि ओनली वन इज करेक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।